क्या हिस्सा है ये? अभी ये जो है इसको टाइट किया है, बाद में ये खुला हुआ ओपन मिलता है, और इसके ये जो नट या पेच हैं इनको कस के यहाँ पे सेट किया है। इसको बाहर वाली साइड पे रखा है तार को, और ये जो इसका क्लच का बटन है ये भी, और यहाँ से आपने ऑन करना है इसको। यहाँ पे इसकी ये तारें और क्लच के लिए, यहाँ से इसको पहले आपने खोलना है, और खोलने के बाद आप ये वाली तार जो है इसकी इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब आप इसको दबाएंगे तो ये इस तरीके से मूव करेगा। थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, इसको आपने ढीला ही रखना है, ये जो नट है फुल ढीला कर देना है बाद में। और जब ये तार इसके अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं तो ये मसला करती है, तो इसको दबा के नीचे कर लेना है। जैसे ये दबाने के बाद अब हो रहा है, दबा के नीचे करेंगे तो ये वाला हिस्सा इसका, और सॉरी ये ऊपर को करना है तो ये वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, और इसमें आसानी से ये तार जो है आ जाएगी। बाकी आप समझदार हैं कैसे इसको करना है, हो जाएगा आसानी के साथ। उसके बाद इसको बंद कर दें। जब आपने इसको चलाना है, ये आपका पेट्रोल का टैंक है, इस तरीके से आपने इसमें मिक्स करना है। इसको पेट्रोल है ये, और इतना इसके साथ एक बॉक्स छोटा सा बना हुआ है, इसके अंदर आपने मोबिल ऑयल वो डाल लेना, और इनको मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस बॉक्स के अंदर खोल के पेट्रोल डाल देंगे। ठीक है जी, जब आप पेट्रोल डाल देंगे उसके बाद आपने इसमें इसको दबाना है, ये सक करके ले जाएगा पेट्रोल को, और इससे इंजन स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने चोक देनी है, जब इंजन स्टार्ट करना है उससे पहले चोक देनी है। इससे आप स्टार्ट करेंगे और उसके बाद चोक को बंद कर देंगे, और यहाँ से आप इसको ड्रिल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ड्रिल तब तक ये जब तक ये आप इसका लॉक नहीं हटाएंगे तब तक ये बटन नहीं दबेगा। दो साइडों से आप पकड़ के इसको करेंगे। ये ड्रिल पड़ी है, ड्रिल को लगाने का तरीका कार, ये आपने खोल के नट इसके नीचे वाली साइड पे इसको लगा देना, फिक्स कर देना। मैं फिक्स करने के बाद एक खड्डा बना के आप, मैं अभी नहीं गए, ये 2.5 फुट तक नीचे गहराई में खड्डा खोद देगा। तकरीबन 1 फुट वाया इसका बन रहा है खड्डे का, इतनी हाइट में। इसमें 3 वर्म है साथ में, एक 8 इंच, 4 इंच और 12 इंच का, ये बड़ा वर्मा लगाया 12 इंच वाला।